नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम लोग दो सर्जरीज कर रहे हैं, गायनेकोमास्टिया की, बहुत सीवियर ग्रेड 3 गायनेकोमास्टिया है, इसके साथ साथ सिक्स पैक। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको गायनेकोमास्टिया की मार्किंग समझाता हूँ कि कैसे टैकल करते हैं हम एक ग्रेड 3 गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम को। तो अगर हम देखें, चेस्ट काफ़ी बड़ा है, बहुत स्वॉलन अप है, इसमें ये सारा एरिया फैट का है। अप्रॉक्सीमेटली 800 ml मैं समझता हूँ कि ईच साइड से निकलना चाहिए। पेशेंट हमें बताते हैं कि इनकी काफ़ी पफिनेस रहती है, विच मीन्स सेंटर में ग्लैंड बहुत बड़ा होगा और ये फील भी हो रहा है, ये ग्लैंड काफ़ी बड़ा है। तो उसको हम लोग निपल के नीचे कट लगा के निकाल देंगे। इन द एंड निशान नहीं दिखेगा, 3-1 महीने के बाद ना ही लाइपोसक्शन का ना ही ग्लैंड रिमूवल का निशान नहीं दिखता। हमारे पेशेंट का एक और कंसर्न है कि कहीं बाद में निपल की डिप्रेशन तो नहीं हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि जो टेक्निक हम फॉलो करते हैं, कभी भी निपल की डिप्रेशन नहीं आती। उसका रीजन, निपल के नीचे हमेशा थोड़ा सा ग्लैंड छोड़ देते हैं, 5% या 10%, वो प्रिवेंट करता है एक डिप्रेशन को होने से। बहुत जगह मैंने देखा है पूरा का पूरा ग्लैंड निकाल देते हैं और उससे डिप्रेशन आती है, तो ये प्रिवेंट करने का एक अच्छा तरीका है। करीब करीब 1.25 घंटा लगेगा गायनेकोमास्टिया को ट्रीटमेंट करने में। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हम लोग सिक्स पैक की मार्किंग को डिस्कस करेंगे।